अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, मैं हूँ हिना और मेरे चैनल फैबुलस फूड एंड फन में आप सभी का स्वागत है। आ गई हूँ मैं एक और यम्मी और इजी रेसिपी के साथ, जो कि है चिकन यखनी पुलाव। चलिए देखते हैं उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और उसे किस तरह बनाना है। लेट्स स्टार्ट कुकिंग गाइस। देखने में ही यम्मी और टेस्टी लग रही है ना ये प्लेट, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाए। तो चिकन यखनी के लिए हमें लगेंगे चावल, जो कि मैंने भिगा के रखे हैं, और ये है चिकन, ये है हमारे दो प्याज, दो तेज़पात, और ये है हमारा घर का बना हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही साथ हमारे है ये MDH का गरम मसाला, और ये है फूड कलर जो कि ऑरेंज कलर है, और लगेंगे हमें थोड़े बहुत खड़े मसाले जो कि है अखा धनिया, काली मिरी, बड़ी इलायची, और ये है दालचीनी, जावित्री, लौंग, और ये है स्टार एनिस, और ये है हरी इलायची, शाहजीरा, ज़ीरा और सौंफ। तो ये मसाले हैं हमारे, साथ ही साथ ये हमारा थ्रेड, ये हमें लगेगा, ये कुकिंग थ्रेड है मैं इस्तेमाल करती हूँ, और साथ ही साथ एक छोटा सा किचन क्लॉथ। अब वो जो सारे खड़े मसाले मैंने आपको गिनाए थे, हम उसकी एक पोटली बना लेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, हम इसकी अच्छी तरीके से एक पोटली बना देंगे। ये पोटली ना ही ज़्यादा आप टाइट रखना और ना ही ज़्यादा लूज़ रखना। अगर लूज़ रखोगे तो सारे मसाले हमारे यखनी में से निकल कर गिर जाएंगे और वो मुंह में आएंगे, और अगर आप इसे टाइट रखोगे तो इसके जो फ्लेवर्स हैं वो पानी में छूट नहीं पाएंगे, जिससे कि आपका जो वाटर है वो फ्लेवरफुल नहीं बनेगा। तो ध्यान रखिएगा गाइस, इसको आप हल्का बांधें ताकि इसके जो भी फ्लेवर्स है वो वाटर में इनकॉर्पोरेट हो जाए। अब हम देखेंगे इसे हम कैसे बनाते हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया है कुकर में चिकन, चिकन में हम डालेंगे आधी प्याज, और डालेंगे हम लोग इसमें हमारी पोटली, साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और हम डाल देंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार, और इसमें लगभग आधा कुकर हमको पानी से भर देना है। साथ ही साथ हम इसे कम से कम 2 से 3 सीटी ले लेंगे। देखो सीटी की आवाज़ आई, ये मेरी तीसरी सीटी है, पहली दो लेना भूल गई। देख सकते हो आप कि कितने अच्छी तरीके से ये जो पोटली का जो मसाला हमने इसमें डाला था वो अच्छी तरह से वाटर में इनकॉर्पोरेट हो चुका है, और पानी का कलर एकदम से चेंज हो गया है, हल्का हल्का ब्राउनिश लग रहा है। और मैंने वो पोटली निकाल दी, देखिए हमारा चिकन भी गल चुका है। अब बनाते हैं हमारा पुलाव। तो अब डालेंगे पतीली में तेल, तेल लेंगे कम से कम 2 से 3 बड़े चम्मच, इसमें हम डाल देंगे हमारे 2 तेज़पात, अब डालेंगे इसमें बचा हुआ अनियन, और इसे हमें लाल होने तक भूनना है। अपनी पुलाव का ये फ़ायदा है कि ये पुलाव खाते वक्त आपके मुंह में कोई भी गरम मसाला नहीं आएगा, हालांकि टेस्ट हर मसाले का आएगा पर मुंह में कुछ नहीं आएगा, जिससे आप इसे एकदम आराम से मज़े लेकर खा सकते हो। देख सकते हो कि ये प्याज अच्छी तरीके से लाल हो चुकी है, भुन गई है। अब वो यखनी में से मैंने चिकन अलग करके सिर्फ चिकन इसमें डाला है, और इसे कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से भून लेना है, ताकि इसका कांदे का फ्लेवर भी चिकन में आ जाए। साथ ही साथ हम लोग अब इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, और इसे थोड़ा और चलाएंगे, मतलब मिक्स करेंगे। आप देख सकते हो कितना यम्मी लग रहा है चिकन, इसे ऐसे ही खा सकते हैं, चिकन में पूरा फ्लेवर आ गया है मसाले का। अब जो बचा हुआ पानी था वो हम लोग इसमें ऐड अप कर लेंगे। अब पानी को एक उबाल आने तक पकाना है, ताकि सारे फ्लेवर्स वापस से एक साथ मिल जाए। इसमें उबाल आ चुका है, अब हम ऐड करेंगे हमारे चावल। चावल को मैंने 3 पानी से धो लिया था, अब इसे हम लोग थोड़ा सा मिक्सअप करेंगे। थोड़ा सा मुझे पानी इसमें कम लग रहा है, तो हम लोग ऊपर से थोड़ा पानी ऐड अप कर लेंगे हमारे चावल को जितना लगता है उतना, और थोड़ा नमक भी मैंने टेस्ट किया था तो कम था, तो थोड़ा नमक ऐड अप कर लेंगे। अगर यखनी आपकी ज़्यादा पानी में बनी है तो आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हो आप
यखनी कितनी अच्छी बन रही है। इसमें अब ये स्टेज पे हम लोग फूड कलर पानी में मिक्स करके ऐड करेंगे और इसे हम दम पे रख देंगे, एकदम स्लो फ्लेम पे। 10 से 15 मिनट में ये यखनी बनकर रेडी हो जाएगी। देख सकते हो आप कि कितनी अच्छी लग रही है, माशाल्लाह से इसकी रंगत इतनी अच्छी आई है, साथ ही साथ टेस्ट भी उतना ही अच्छा है। और आप, मैंने ये प्लेट में निकाल लिया है, कोरिएंडर से गार्निश कीजिए। होप सो ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे अपने किचन में ज़रूर ट्राई करोगे, खुद भी खाओगे और दूसरों को भी खिलाओगे। गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉरमोस्ट कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आ भी रही है या नहीं। एंड गाइस प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज़ यू कैन। एंड मैंने सोचा नहीं था कि मेरे फर्स्ट वीडियो पे इतने सारे व्यूज़ मिलेंगे मुझे। आई एम वेरी हैप्पी एज यू कैन सी इट ऑन माई फेस। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी लाइक दिस। प्लीज़ डू शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर रेसिपीज। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। बाय।